सत श्री अकाल जी, मैं मनदीप कौर अपने YouTube चैनल से बात कर रही हूँ। आज जो हम बात करेंगे कनाडा इमिग्रेशन के प्रोसेसिंग टाइम्स के बारे में, जो अपडेट आई है, थोड़ी बैड न्यूज़ भी है और सिर्फ उसमें एक पॉजिटिव भी है, आज उसकी हम बात करेंगे। तो 19 अक्टूबर को कनाडा के जो इमिग्रेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कनाडा का प्रोसेसिंग टाइम्स के रिगार्डिंग, क्योंकि इंडिया ने जो कनाडा के 41 डिप्लॉयमेंट्स थे उनको कह दिया था कि आप इंडिया छोड़ के कनाडा चले जाइए। तो वो 41 जो डिप्लॉयमेंट्स थे विद अ फैमिली कनाडा जा चुके हैं। तो अब उसके काम करने का जो एम्बेसी का क्षमता थी वो अब थोड़ी कम हो गई, क्योंकि यहाँ स्टाफ कम रह गया। तो वही कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर जी ने बताया था कि प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा सा इफ़ेक्ट हो सकता है। तो हम जो उनकी स्टेटमेंट थी, आज उनके मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो पहले डिप्लोमेट्स थे वो 62 थे इंडिया में, अब वो यहाँ पर 62 थे और 41 कनाडा जा चुके हैं, तो पीछे 21 ही रह चुके हैं। तो आगे दिक्कत आ सकती है, आपके विजिटर वीज़ा लगाया हुआ है, पीआर की फ़ाइल लगी हुई है, स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फ़ाइल लगी हुई है, वर्क परमिट की फ़ाइल लगी हुई है, या केयर गिवर किसी भी टाइप की आपकी फ़ाइल लगी है स्टडी परमिट की, उसकी प्रोसेसिंग टाइम में थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा। जो पहले एक महीने में आते थे, जैसे हम स्पाउस करें, हम स्पाउस ओपन वर्क परमिट की जिनके एक या डेढ़ महीने में रिजल्ट आते थे, अब वो थोड़ा सा स्लो होके ढाई महीने का प्रोसेसिंग टाइम हो सकता है, क्योंकि चेंज होगा, क्योंकि स्टाफ पीछे कम ही रह चुका है। और आप वेब फॉर्म रेज करते थे उसकी जो आपकी क्वेरी है उसका आपको जो है लेट रिस्पांस मिलेगा, पहले भी उसका लेट ही रिस्पांस मिलता था अब भी। और जो वीज़ा स्टैम्पिंग होके आएगी वो भी थोड़ी सी आपको डिले मिलेगी, ये कनाडा के इमिग्रेशन मिनिस्टर ने बताया है। और बाकी बताया है कि जो IRC के स्टाफ थे इंडिया में वो अब जो थे 27 थे, ठीक है, 22 जा चुके हैं, अब यहाँ टोटल 5 रह चुके हैं। तो अब ऑल ओवर 5 IRC के स्टाफ हैं, उससे थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम को इफेक्ट पड़ सकता है और आने वाले टाइम में थोड़ा सा वीज़ा मिलेगा, ये नहीं कि वीज़ा नहीं मिलेगा, कनाडा ने इंडिया के लिए वीज़ा ओपन रखे हुए, पहले की तरह ही ओपन रखे हुए, वो उन्होंने पहले की तरह ही वेलकम करना है, जैसे पहले स्टूडेंट जाते थे ऐसे ही वेलकम करना है। और वो कहते हैं जो इंडिया के साथ हमारा इशू चल रहा है वो डिप्लोमेट हम रिजॉल्व कर लेंगे और हम इंडियंस जो हैं उन्हें हम वेलकम करते हैं जैसे पहले वेलकम करते थे, और अब हम अभी भी वैसे वेलकम करेंगे, उन्हें वीज़ास मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, वो किसी भी टाइप का वीज़ा ले सकते हैं स्टडी परमिट का। तो ग्लोबली भी इंडियंस फाइल्स लगाते हैं, 85% जो इंडिया से बाहर फाइल लगाते हैं, तो उसका जो है प्रोसेसिंग टाइम अच्छा होगा। तो ये पॉजिटिव भी है, अगर आप थोड़ा सा आप नेगेटिव है वो थोड़े टाइम के लिए है, आने वाले टाइम में ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये अगर ये जो स्लो प्रोसेसिंग है ये उस टाइम की है जब 2 ईयर्स पहले जब पैंडमिक करके हो गया था, तो अब वैसे नॉर्मल आया था, अब फिर से थोड़ा सा डिले होगा प्रोसेसिंग टाइम थोड़े दिन के लिए, क्योंकि यहाँ स्टाफ कम है उस वजह से। पर आने वाले टाइम में होप कर सकते हैं कि थोड़ा सा इफेक्ट जो जो इश्यूज है गवर्नमेंट और इंडिया के वो कनाडा और इंडिया के वो रिजॉल्व हो डिप्लोमेट, और फिर नॉर्मल फिर वैसे ही हो। और जो ग्लोबली हम फाइल लगाते हैं या बाहर से, तो उनका प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मल ही रहेगा, जो इंडिया से लगाते हैं उनका प्रोसेसिंग टाइम पर इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में जो कनाडा के स्टाफ हैं ऑलरेडी कम हो चुके हैं। पर इंडिया के लिए ये भी पॉजिटिव है कि आपको वीज़ास मिलेंगे, आपको वेलकम करते हैं जैसे हम पहले स्टूडेंट्स को करते थे, वैसे विजिटर को करते थे, वर्क परमिट के आप फाइल लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको वीज़ास मिलेंगे। तो एक पॉजिटिव भी है, तो अगर हम थोड़ा हमें वी पॉजिटिव भी रहना पड़ेगा। तो ये अपडेट थी कनाडा इमिग्रेशन से, अगर आपको हमारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक जरूर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।